नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे कि आरपीएससी के द्वारा विभिन्न जो पदों को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जानकारी आपको पूरी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो, कितने पद हैं, आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो उसके कितने पद हैं, या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, सारी की सारी जानकारी आपको इस सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। देखिएगा, एक तो जो पोस्ट है वो लाइब्रेरियन की, दूसरी है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, और एक है होम साइंस यानी कि एपी की, उसकी है। तो अलग अलग पद हैं इसके अंदर। जो आपके लाइब्रेरियन के हैं 247 पद हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के हैं जो 247, और होम साइंस एपी के हैं 39 पद हैं। तो ये पदों का विवरण है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल कैटेगरी हैं उनमें कितने कितने पद हैं। तो पदों का विवरण यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हो। आगे अपन देखेंगे, आप अगर आवेदन करते हो तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके अंदर, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिएगा, जो राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक जो यानी कि पीटीआई और उनके जो पद हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है वो देखिएगा। यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन साइंस की, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और इक्विलेंट इसके बराबर की आपके पास को योग्यता है और मिनिमम 55% उसमें है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो। आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बिसाइड्स फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशंस द कंडीशंस मस्ट बी नेट है, यूजीसी, CSIR है, सिमिलर टेस्ट यानी उसके बराबर की आपके पास को योग्यता है, या PhD कर मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स अवार्ड, MPhil PhD डिग्री आपने कर रखी है, नियम जो रेगुलेशन 2009 और 16 है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो ये जो शैक्षणिक योग्यता है इसको आप सेव कर लीजिएगा और आराम से आप चेक करिएगा। आगे देखिएगा, जो बात करें शैक्षणिक योग्यता कि पुस्तकालय अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक है उनके जो उसमें शारीरिक शिक्षा खेल विंग वाली है पीटीआई के जो पद हैं उनके लिए आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो देखिएगा इसमें दी हुई है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विथ मिनिमम आपके पास मार्क्स कितने होने चाहिए, 55 मार्क्स होने चाहिए आपके पास होनी चाहिए, या आपने अगर स्पोर्ट्स के अंदर वो नेट पीजी वगैरह कर रखी है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, तो ये डिटेल में यहाँ पर दी हुई जानकारी है उसको आप सेव कर लीजिएगा। आगे अपन देखते हैं, जो एक पोस्ट और है आपकी वो है देखिएगा शैक्षणिक योग्यता के जो आपकी जो है पद कौन सा है इसमें देखिएगा क्या पद है। ये हाँ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए, और ये नियम यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता को लेकर, क्रम को लेकर। तो ये आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हो। शैक्षणिक जो अवर्ता है अंतिम वर्ष वाले हैं वो भी इसके अंदर क्या हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना है कि एक कंडीशन ये दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय आपके पास क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। पे ग्रेड की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक का पे ग्रेड है इसके अंदर है, और प्रवीक्षा काल के अंदर आपको फिक्स दे इसके अंदर होगा। न्यूनतम आयु सीमा 21 साल है और मैक्सिमम अधिकतम है 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा नियमों के अनुसार जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी छूट का प्रावधान है दिया गया है। और आवेदन प्रक्रिया परीक्षा की बात करें तो परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में अलग से सूचित कर दिया जाएगा, और आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर से लेकर
5 अक्टूबर 2023 तक रहेगी, तो 6 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आप अपने आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, आवेदन प्रक्रिया आप आरपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो। अब देखिएगा जो पद है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की अपन बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, क्या समय मिलने वाला है, तो इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, ये है पेपर वन। पेपर वन के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय इसके अंदर दिया जाएगा। और पेपर टू उसमें भी 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर थ्री जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल आपका जो पेपर होने वाला है वो 200 नंबर का होगा। जो लाइब्रेरियन के कैंडिडेट हैं, लाइब्रेरियन पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपका पेपर कितना होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा। वो 3 पेपर इसके अंदर ये होने वाले हैं, तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा जो पीटीआई वाले हैं, पीटीआई वाले भी आप देख सकते हो। देखिएगा पीटीआई वाले में क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका 75 नंबर का होगा, और दूसरा जो होगा वो भी आपका 75 नंबर का, और जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान 50 नंबर का। टोटल जो आपका पेपर होगा 2 घंटे का होगा। टाइम इसमें देखिएगा 3 घंटे 3 घंटे और 2 घंटे का समय इसके अंदर है वो दिया जाएगा। और इंटरव्यू आपका 20 नंबर का इसके अंदर मार्क्स होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इसके अंदर अलग से दे दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर जो होम साइंस के पद हैं, उनका भी पेपर आपका 3 पेपर होंगे और 200 नंबर का आपका कुल पेपर होगा। और टाइम की बात करें तो पहले पेपर में आपका 3 घंटे का टाइम मिलेगा, दूसरे में भी 3 घंटे का, और तीसरे के अंदर 2 घंटे का समय मिलेगा। और इंटरव्यू का आपका जो नंबर होगा वो 24 नंबर का होगा। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है प्यारे बच्चों। इसके अलावा अपन देखते हैं कि आपके लायक कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पर नहीं है। तो प्यारे बच्चों डिटेल में इसका सिलेबस है वो आरपीएससी के द्वारा अलग से वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है शैक्षणिक योग्यता, पदों का विवरण, पे ग्रेड क्या है, आयु सीमा, और उसके अलावा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना समय इसके अंदर मिलने वाला है, ये तमाम जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है। तो सारी की सारी जानकारी प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है भर्ती परीक्षा को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों। और जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके कि आरपीएससी के द्वारा विभिन्न पदों के लिए, जैसे पीटीआई असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस है या लाइब्रेरियन के पद हैं, उनके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो वो भी अंतिम तिथि से पहले पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ले प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और करंट अफेयर की अगर आपको जानकारी लेनी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो भी मिल जाएगी प्यारे बच्चों। और हैंड रिटन नोट्स हमारी टीम आपको उपलब्ध करवा रही है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हमारी वेबसाइट www.infusionnotes.com को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको आपका पसंदीदा कोर्स, जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो वो कोर्स आपको मिल जाएगा। पहले आपको सैंपल नोट्स पढ़ने हैं, सैंपल नोट्स का कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, वो आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगे। सैंपल नोट्स आपके पसंद आ जाएं उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑर्डर करना है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।